अजमेर जिले के पुष्कर में सोमवार से शुरू हुए पशु मेले में शिक्षकों की ड्यूटी चूंगे और नाकों पर लगाई गई है। यह शिक्षक पुष्कर बहुदिवसीय हाट 2021 में 8 से 21 नवंबर तक आने वाले पशुपालकों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट एवं कोविड-19 टीकाकरण की प्रथम व द्वितीय डोज से संबंधित दस्तावेज की जाँच करेंगे। इसके बाद ही पशुपालक मेले में प्रवेश कर शामिल हो सकेंगे। श्री पुष्कर बहुदिवसीय पशु हाट 2021 के तहत पुष्कर उपखंड अधिकारी एवं ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने चेक पोस्ट भट्ट बाय गणेश मंदिर चुंगी चौकी अजमेर रोड आरटीडीसी चुंगी और चौकी पर 3 पारियों में 9 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई है। यह शिक्षक 8 से 21 नवंबर तक पशु मेले में आने वाले पशुपालकों की कोरोना संबंधित दस्तावेजों की जाँच करेंगे। शिक्षकों की ड्यूटी प्रथम पारी में सुबह 6 बजे से 2 बजे तक और द्वितीय पारी में दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक एवं तृतीय पारी के अंदर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी। श्री गंगानगर के नई मंडी खरसाना में पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रोजड़ी के समक्ष ग्रामीणों एवं व्यापारियों का धरना लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। सैकड़ों की तादाद में बैठे ग्रामीण व व्यापारियों का प्रशासन व सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। वहीं सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान दूसरे दिन भी बंद रखे हैं। मुख्य तौर पर आबादी भूमि में स्थायी पट्टे जारी करने की मांग है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो 10 नवंबर को पंचायत मुख्यालय पर होने जा रहे प्रशासन गांव के संग अभियान को ठप व बहिष्कार किया जाएगा। धरने पर सरपंच तोला देवी बावरी भी मौजूद रही। उन्होंने कहा कि जब तक ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। जिस पट्टों की आप मांग कर रहे हो, प्रशासन के द्वारा ये कहना है कि ये अतिक्रमण की भूमि है और अतिक्रमण पर हम पट्टे जारी नहीं कर सकते, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? अपने मारो अभी कहना है पर प्रशासन ने या मान लो मंडी समिति ने देश का इन जगह ने मान लो कृषि सेवा केंद्र की जगह ने मंडी समिति ने देश का या स्कूल ने मान लो और भी पट्टा काट रखे बिन भी देश का तो माने भी पट्टा देना देने को बांगो फर्ज बने। अगर कृषि सेवा केंद्र है इन्हें हटा के अगर जे मान लो गांव का नक्शो बनाए 1980 को भी नक्शे के आधार पर आने मान लो अंकित किया जावा इन्हें मान लो जमा मंदी का कृषि सेवा केंद्र ने हटा दिया तो ये लोग जगह बैठे है सारा भी मैं भी बैठा और भी बैठे है सब जो गरीब है गुरु है दुकानदारी करे तो बांगो जीव हठू गांव चलन लाग रही है तो बिंगो के है वो गुजारो हो जाए। सरकार हमारे कोई विरोध नहीं है, माने तो एक सिर पे आई चावा भी यहाँ लोग पट्टा मिल जाए माना भी पट्टा मिल जाए तो इनको सारो निकी हो जाए। प्रशासन से आगे मारो कोई जोड़ को नहीं है, नहीं माने जोड़ वही है भी माने गांव में वो बस तो रह जाए उजड़ है ना ताकि ये लोग बसता रह जाए सारो काम आई चावा में प्रशासन को चावा पंचायत को भी चावा सारे जो भी है जगह की सरकार है बांग भी आ चावा भी वो समाधान है मारो काट जावे जिला कलेक्टर काट है या SDM साहब काट है कोई भी काट है तो मारे आगे वार्ता करे यार यूं जाके कोई मारो समाधान है काट जावे। धन्यवाद जी। हमारे पूरे गाँव रोजड़ी ने एक निर्णय लिया है कि जब तक हमारे को स्थायी पट्टे नहीं मिलेंगे पूरे गाँव को तब तक हमारी ये मांग है जो मुख्य तौर पर ये मांग है जो इस पे अगर प्रशासन या सरकार एग्री नहीं है तो हमारा ये धरना लगातार जारी रहेगा। लक्ष्मण जी आप सरपंच प्रतिनिधि हैं और धरने में अपनी अहम भूमिका भी निभा रही हैं। कल आपके गांव में कैंप लगाया जाएगा परंतु धरनार्थी जो है वो डटे हुए हैं, ग्रामीण डटे हुए हैं और इसके साथ साथ व्यापारी भी मौजूद हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? हमारे जो सभी व्यापारी हमारे साथ हैं और गांव वाले भी हमारे साथ हैं, ये हमारी जो मांग पूरी नहीं होगी तभी तक ये धरना जारी रहेगा। मुख्य तौर पर क्या मांग है आपकी? हमारी मुख्य मांग यही है जो हमारे गांव के जो पट्टे नहीं है अभी तक 50 साल हो गए यहाँ लोग बैठे हुए हैं उनके लिए ये पट्टे जरूरी है। धन्यवाद। पूरा गांव ग्रामीण यहाँ इकट्ठे हैं, पूरा व्यापारी वर्ग हमारे साथ है। हमारी मुख्य मांग है अगर उसका समाधान नहीं होता है तो हम लगातार इस धरने को जारी रखेंगे और बहिष्कार करेंगे शिविर का। तमाम लोगों में जोश जुनून देखा जा रहा है, अब फैसला क्या निर्भर करेगा क्योंकि दो दौर की वार्ता जो विफल हुई है और आगे जो प्रशासन गाँव के संग अभियान का एक बड़ा ऐलान किया गया है इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर ये बात है, नमस्कार फारिक जी, और बात ही है भी जो हमारे
जो धरना 3 दिन से चल रहा है ना, तो जो कल कैंप लगेगा वो कैंप का हमने बहिष्कार किया है। हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ना तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे और कैंप हम नहीं लगने देंगे। ये हमारा ऐलान है और यही हमारा ऐलान रहेगा। हमारे को जो भी भूमि है ना ये कृषि सेवा केंद्र की, उस भूमि को हमारी पंचायत के हैंडओवर करके और उसका इंतकाल किया जाए, ताकि जो लोग वहाँ पे बैठे हैं वो स्थायी रूप से वहीं उनको पट्टी जारी किए जाएं। और हमारी ये मांग है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम ना तो ये कैंप लगने देंगे और नहीं हम यहाँ से उठेंगे। 7 तारीख से लगातार 3 दिन हो गए हैं, धरना लगातार चल रहा है। इसमें हमारी प्रमुख मांग यही है कि जो 2 MGM ग्राम पंचायत है, इसकी जो ये रोजड़ी गांव की आबादी है, ये जो काफ़ी वर्षों से यहाँ लोग बसे हुए हैं, पर ये जमाबंदी रिकॉर्ड के अनुसार कृषि सेवा केंद्र के नाम से बोल रही है। हम यही चाहते हैं कि उसका अंकन हटाकर इसको आबादी भूमि में कन्वर्ट किया जाए, जिससे सभी लोगों की समस्या का समाधान हो सके, सभी ग्रामवासियों को पट्टे मिल सके और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं उनका लाभ ग्रामीणों को मिल सके। कल SDM महोदय यहाँ पे आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि मैं इसका प्रस्ताव बना के जिला कलेक्टर महोदय को भेजूंगी। आज वो प्रस्ताव भेज दिया है, तो दोपहर तक उसके बारे में क्या निर्णय आता है उसके बाद में आगे का निर्णय लिया जाएगा। अगर यहाँ ग्रामवासियों की जो प्रमुख मांग है वो पूरी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो कल कैंप का बहिष्कार रखा जाएगा। राजधानी जयपुर के हेरिटेज हवा महल विधानसभा के वार्ड नंबर 6 में जनता का विरोध देखने को मिला। राज्य आवास योजना पर अवैध तरीके से टावर लगाने पर वार्ड की जनता ने आज कांग्रेस प्रत्याशी रशीद खान आरके के साथ में मिलकर टावर का विरोध किया। बिना नगर निगम की परमिशन के टावर लगाने पर वार्ड की जनता नाराज है। जनता में काफी रोष देखने को मिला है, तो वही वार्ड की जनता नहीं चाहती है कि ये टावर लगे। जो पहले टावर लग रहे हैं उन टावरों को भी अब हटाने की मांग की जा रही है। वार्ड की जनता मकानों के पास ही टावर लगा दिए गए हैं, इस टावर से कोई भी हादसा हो सकता है। वार्ड प्रत्याशी रशीद खान ने बताया कि इस टावर की शिकायत आज भट्टाबस्ती थाने में दी गई है कि ये टावर नहीं लगाया जाए, क्योंकि जनता नहीं चाहती है कि ये टावर लगे। जालौर जिले के आकोली गांव के सियाना मुख्य मार्ग पर खेल मैदान पर 4 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित हुआ। इस प्रतियोगिता में क्षेत्र के 11 गांव की मेघवाल समाज के क्रिकेट प्रेमियों एवं धुरंधर खिलाड़ियों ने भाग लिया एवं अपना दमखम मैदान पर दिखाया। इस मौके पर समापन समारोह में VR परमार, कनिष्ठ अभियंता विद्युत विभाग बागरा ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। परमार मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, तो वहीं VR परमार ने जीतने वाली टीम धानपुर को विशेष तौर पर जीत की बधाई दी एवं नए साल का श्रम कदम से सारा उपविजेता टीम को देलदरी को भी हार के बाद में जीत का मंत्र दिया। मैदान में जीत व परिणाम की बात होती है, खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर के दौरे पर रहे। गहलोत 20 माह बाद आज जोधपुर प्रवास कर रहे हैं। हजारों की तादाद में आज जमावड़ा देखने को मिला। एयरपोर्ट पर भी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोधपुर पहुंचने पर उनके कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद CM सीधे एम्स अस्पताल पहुंचे, जहां पर हिट एंड रन मामले में घायलों से मुलाकात कर उनकी कुशल क्षेम जानी और उसकी जानकारी भी ली। इसके बाद में मुख्यमंत्री सीधे सर्किट हाउस पहुंचे, वहां उन्होंने लंबे समय बाद जनसुनवाई कर आमजन की फरियाद को सुना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में जिला प्रशासन का पूरा लवाजमा भी मौजूद था। हर शिकायत को मंत्री गहलोत अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आए। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। जैसा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक